यहाँ का पता आपको कैसे मिला? वीडियो देखकर। YouTube पे वीडियो देख के आए? तभी यहाँ पर रिकॉर्डिंग होगी, ये वीडियो YouTube पे जाएगी, आपको मालूम है। ठीक है, पूछिए। नाम क्या है तुम्हारा? नाम मालूम नहीं है। तुमको इस पे कौन भेजा है? डाइन। कितना साल पहले? 10 साल पहले। क्या करने के लिए? मारने के लिए। किसको? इसको। इससे क्या दुश्मनी है उसकी? वही नाम बता दी थी, एक बार घुरा था। क्या? एक बार घुरा था तो नाम बता दी थी उसका, तो उसलिए उस जलन से। कौन डाइन है? वो तर बबुआ को डाइन। क्या बोल रही है? तर का नाम बता है इसलिए। तुम्हारे गांव में कहाँ से आ रहे हो? मखदूमगढ़। ये किसका नाम बता रही है? वो डाइन का नाम अमूलिया। अमूलिया कौन? वही डाइन। वो कहाँ से ले अमूलिया? वो किधर से मिली तुम्हें? सिखली भी ना। कौन चीज में करके खिलाई थी? बोलो, इसको कौन चीज में करके खिलाई है? क्या निकला था यहाँ पे? पर्ची दीजिए। जो चेक करते हैं पंडित, उन्होंने बताया था दही, और हाजी बाहर उन्हें बताया था दही। वो अभी डाइन कहाँ है? जिंदा है मर गई? जिंदा है। उसको लेके आओ, उसको लेके आओ। हम कैसे लिए? तो तुमको पावर दे रहे, लेके आओ। मुंह खोलो, जाओ उसको लेके आओ। नाम, नाम। अरे बाप रे बाप, क्या नाम है? अरे बाप, हम ही तर बबुआ को डाइनी है। कौन? तर बबू नाम हमें मरत को। कौन है? कौन बोल रही? ये इसके नाम बता दो। इसपे टोना याद हो? तुम काय कर रही हो? है? बहुत परेशान किया इसको हमने। काहे? बहुत काहे परेशान कियो? बहुत पैसा बर्बाद किया इसके। हम हसद करते हैं, जलन करते हैं। और किसको किसको इस घर में कियो? सबको, पूरा घर भर को। इसकी बेटी जो पीछे है उसके ऊपर? हाँ, सबको पूरा घर भर के बर्बाद। कितने साल पहले कियो? 10 साल। और क्या क्या नुकसान कर दियो अब तक? पूरा इसका पैसा कौड़ी सब। हिलना डुलना बंद करो। अब तक कितने लोगों को कर चुकी हो? बहुत लोग के। किसको किसको कियो गांव में? गांव में बहुत लोग किए। इसके घर में और किसको कियो? बोल। इसके घर में सबको किया है। क्या लोग की बलि देके सीखी हो? बेटा बेटी के। अपने बेटा बेटी का? कितने साल के थे सब? वो सब छोटे छोटे थे। और तुम्हारा आदमी जिंदा है मर गया? जिंदा। और कुछ पूछना है? या फिर इतना क्यों परेशान कर रही? आगे बर्बाद नहीं करोगे जाने के बाद?
अब तो उसका टोना जादू सब खत्म कर देंगे, कर ही नहीं पाएगी कुछ। तो नींबू दो सामने देखा तेरा तंत्र मन खत्म। कितने फोन करके पूछते हैं ये चल रहा है, वो चल रहा है, त्योहार चल रहा है, आज क्या है, ईद है, ईद है ना। कोई आए चाहे ना आए, हमारा सारा स्टाफ यहाँ ड्यूटी करके चले जाएंगे, कोई ना हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो ईद, बकरीद, मुहर्रम कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो, आंधी तूफान बारिश, मुझे यहाँ आना है, जनता आए और चाहे ना आए। गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देता हूँ, कितने तो गारंटी वही पे मांगते हैं और उनको डिलीक्ट कर देता हूँ, जा भाई और सब पे हाजिर हो जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं। बहुत से बेवकूफ़ कहते हैं कि अरे हाजिर नहीं हुआ तो पता नहीं चला तो फ़ायदा क्या है, तो मैं उनको बोलता हूँ पैसा वापस लेके घर भाग जाओ, बड़े बाबा के यहाँ जाओ। मैं छोटा सा बाबा हूँ, जीरो छोटा सा बाबा हूँ, और किसी भी व्यक्ति को गारंटी देता नहीं हूँ। कितने तो हम आधा तो फ़ोन ही पे उनको डिलीक्ट मार देते हैं। मैं बहुत दूर हूं तो मैं उनको बोलता हूं भैया आपके पास दो ऑप्शन है, वीडियो कॉलिंग से भी करा सकते हो और आके भी करा सकते हो। तो उस पर ये बोलते हैं वीडियो कॉलिंग से हो जाता है, तो मैं बोलता हूं नहीं होगा, अब नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं हो जाएगा, मतलब गारंटी मांग रहे हो एक तरीके से ना हमसे। मैं बोलता हूं नहीं होगा, अब तुम्हारे पास आखिरी ऑप्शन है, बनारस आओ, समझ में आए तो, नहीं आए तो जाओ। गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देते। तो आधा तो दिन भर हम ऐसे ही ऑनलाइन वाले को उड़ा देते हैं, अरे गलती हो गया, यहाँ गलती नहीं होती है, यहाँ डिलीक्ट हो जाता है, अब नहीं होगा, यहाँ आओ या कहीं आओ, ऑनलाइन तो नहीं करेंगे। शक कर रहे हो ना, किस पे कर रहे हो, मालिक पे, हो जाता है हो जाएगा, दोनों पे मुझे आपत्ति है। वीडियो बनाने का बताने का जनता का मकसद है हमारा, ये गलती ना करें लोग। बाबा जी लिखा हुआ है ना उसमें, आप पढ़े होंगे, लोग बहुत कुछ दूसरे नाम से बुलाते हैं, मुझे उस पर आपत्ति है। बाबा जी लिखा हुआ है, बाबा जी, अब फोन लगाएंगे बेवकूफ लोग तो जल्दी फोन उड़ गया तो आपको बोलना है ना हेलो कि हमें बोलना है। हाँ तो यही गलत है ना, हम तो यहां तक कहते हैं, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो इधर। मैंने अपने लड़के को बोला है कि अगर डेट वाले दिन यानी जिस दिन हम बैठते हैं उस दिन अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो हमारी लाश को एक साइड लगा देना, सारी जनता को देखने के बाद मुझे फिर ठिकाने लगाना, मेरी बात समझे। ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, इनका क्या होगा, दूर दूर से आ रहे हैं, आप पटना से आए हो, कोई विदेश से आया है, तो हम मेरे चक्कर में इनका काम मत रोको, मुझे साइड लगा दो, भूल जाओगी बाबा जी मर गए, पहले सारे जनता को देख लो उसके बाद मुझे ठिकाने लगा दो, सही है। मैं इसी वसीयत करके जाऊंगा कि अगर डेट वाले दिन मैं मरता हूं तो पहले जनता को देखो बाद में मुझे, सही है ना। ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, पहले हमारी जनता सुखी होना चाहिए। हमें कहाँ से आया था, सूरजपुर, सूरजपुर भटगांव, सूरजपुर से आया था, और हम लोग वीडियो हाजिर करवाने से पहले बोल देते हैं वीडियो बनेगा नेट पे जरूर डालेंगे, अगर किसको नेट पे नहीं जाना चाहते हो तो डायरेक्ट भूतों को मरवा के यानी मुक्ति दिलवा के जा सकते हैं। तो लोग कहते नहीं हाजिर हो जाए पता चलेगा कौन जादू टोना करने वाला है, तो नहीं टाइम जो भी कहते हैं आप लोग, तो हाजिर हो जाए, तो हाजिर हो जाता है, नाम खुल जाता है तो लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तो अब मैं ये चाहता हूँ या तो वीडियो बनाना बंद कर दूँ, या तो फिर वीडियो बनाऊँ तो जो कलाकार है उसका नाम को डीप कर दूँ। तो क्या करना चाहिए, वीडियो बनाना बंद कर दें या डीप कर दें, नाम को डीप कर दें। अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो ये आप लोगों के समझ में नहीं आया, वीडियो ही देख के सारी जनता आई है। वीडियो बनाना जरूरी है, वीडियो बनाना जरूरी है, मगर वो कलाकार का नाम को डीप कर दें यानी आपस में लड़ाई ना हो।
है ना, और हाजिर होता है तो वीडियो नेट पे डालते हैं, ये हम दो चार बार बोलते रहते हैं, तो आप लोग सब वीडियो ही देख के यहाँ आए। जो भी आए डेट बाई डेट आए, सुबह 7 बजे आ जाओ, कोई बात नहीं, 8 बजे आ जाओ, वो चलेगा। नंबर जितने आदमी आएंगे नंबर उसी दिन मिलेगा, और देखेंगे सबको, ये नहीं कि नंबर नहीं आएगा, उसी दिन देखेंगे, उसी दिन छुट्टी हो जाएगी, आधा काम उस दिन हो जाता है, फिर जड़ी बूटी खा के आओगे, फिर दूसरा ऑनलाइन करा सकते हो या आके करा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। औरतों पे हाजिर कराने की कोशिश करता हूँ, 50-50 चांस होता है, हाजिर होता भी है नहीं भी होता है, आदमियों पे हाजिर कराने की मैं कोशिश नहीं करता हूँ, हाजिर होगा वीडियो बनाएंगे, जिसको हाजिर नहीं करवाना चाहते हो वो हाजिर करवाने की कोशिश हमसे ना करवाओ, डायरेक्ट भूतों को मरवाओ और धीरे से चले जाओ। तो कहने का मतलब, वीडियो बनाने का मतलब है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई रात को, वहाँ आप लोग भुगते हो, अगर मौत हो जाए, छीनना झपटी हो जाए, तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हो गए। नेट पे मेरा लिखा हुआ है 2 दिन, गुरुवार और रविवार 2 दिन, 9 बजे खुला है, आप 7 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, मगर रात को यहाँ रुकने का माहौल अच्छा नहीं है। एक भूत मारने का खर्च, विदेशियों के लिए भर्तियन पैसा 2,000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज घर बैठे मरवाने पर, और बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज। जड़ी बूटी की एक खुरक की कीमत विदेशियों के लिए 1,000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज, बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज। नोट, इंडिया में आकर कम पैसा में भूतों से मुक्ति पाइए, वाह भरत सरकार को लाभ पहुंचेनिए, यहां आने पर ही टोकन मिलेगा और उसी दिन आप आधा इलाज करवा सकते हैं। बाबा जी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मिलते हैं, रविवार और गुरुवार, टाइमिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 2 तक, 2 बजे के बाद टोकन ही मिलेगा। वीडियो कॉल से भारत में मरीजों की पुष्टि के लिए पहले 1,000 रुपए और विदेशियों में मरीजों के लिए 10,000 रुपए एडवांस में जमा करना होगा, और अगर आप विदेश से इलाज करवाते हैं तो ये पैसा आपके इलाज करने के टाइम कम कर दिया जाएगा, और अगर इलाज नहीं करवाते हैं तो ये पैसा डूब जाएगा, इलाज कराने के बाद कोई भी पैसा वापस नहीं होगा। मरीज का इलाज बाबा जी या उनका बेटा, दोनों में कोई भी कर सकता है, इलाज में कोई भी फर्क नहीं होता है। नोट, 100 व्यक्ति में से 95 व्यक्ति यू को फायदा होता है और 5 को नहीं होता है, जिसके लिए बाबा जी किसी भी व्यक्ति को गारंटी नहीं देते हैं।